नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेट टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, अपने मोबाइल से ही अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों आधार कार्ड लिंक टू योर मोबाइल नंबर। इस तरह से प्ले स्टोर पे टाइप करके आप जो है वहाँ से आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन जो है दोस्तों मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे स्टार्ट का बटन आपको दिखाई देगा, तो आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने ऑपरेटर यानी कि कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होता है, जिस कंपनी का सिम को आप अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने रिलायंस जियो के सिम को जो है रजिस्टर करना चाहता हूँ अपने आधार कार्ड नंबर के साथ। तो चलिए मैं रिलायंस जियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अपने रिलायंस जियो को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपना रिलायंस जियो का जो है नंबर डालना होता है, जो आप भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है अपना नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है। एंटर करते ही मैं सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक OTP आ जाएगा। उस OTP को यहाँ पे जो है मुझे सबमिट करना होगा। देखिए दोस्तों, मैंने जो है अपना OTP भी ऊपर से यहाँ से चेक करके OTP यहाँ पे एंटर कर दिया है। एंटर करते ही दोस्तों मैं सबमिट के बटन पे एक बार फिर से क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। चलिए मैं अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब ये हमसे कह रहा है कि स्कैन योर आधार, यानी कि आधार कार्ड को अब आपको स्कैन कराना होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्कैन के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से ये पेज खुल के आ जाता है। जब आप इस प्रकार से आ जाएगा तो आपके आधार कार्ड पे जो बार कोड होता है उसको आपको यहाँ पे स्कैन कराना होगा। चलिए मैं इस बार कोड को यहाँ पे स्कैन करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा स्कैन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना जो है एक उंगली का जो है यहाँ पे फिंगरप्रिंट देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो है पूरी डिटेल बिल्कुल ठीक से आई हुई है कि नहीं आई हुई है। यहाँ पे आपका ऊपर जो है आधार कार्ड नंबर दिखाई देगा, नीचे नाम और नीचे उससे नीचे फिर आपको जेंडर, ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे देगा। अगर आपकी ये डिटेल बिल्कुल ठीक है तो आप जो है यहाँ पे अपनी फिंगरप्रिंट दे सकते हैं। फिंगरप्रिंट देने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर अपना कोई भी अंगूठा या फिर उंगली रखेंगे तो थोड़ी देर में ये अपने ऑटोमेटिकली आपको फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेगा। प्लीज़ योर फिंगरप्रिंट ऑन स्क्रीन, योर फिंगरप्रिंट हैज बीन स्कैंड ऑन सक्सेसफुल, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। और सबमिट के बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें नोटिस मिलता है कि इफ़ योर आधार कार्ड नॉट कनेक्टेड विद योर मोबाइल नंबर गो टू नियरेस्ट स्टोर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है हमारा नंबर जो है इस पर लिंक नहीं हो पाया है क्योंकि दोस्तों मेरा जो जियो का सिम है वो दूसरे के आधार कार्ड पे पहले से ही रजिस्टर है। तो आपका अगर आधार कार्ड पे पहले से ही रजिस्टर नहीं है तो आप इस प्रकार से अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर के साथ अपने मोबाइल से इतनी आसानी से जो है लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।